नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं डिलीट हुए फोटोज वीडियोस को किस प्रकार रिकवर किया जाता है। अगर आपके भी फोटोज वीडियोस डिलीट हो गई है आपकी गैलरी से, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गलती से डिलीट हुए या किसी भी कारणवश अगर आपके फोटोज डिलीट हो गए हैं और आप उन्हें रिकवर करना चाहते हैं, रिटर्न लाना चाहते हैं या वापस लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट पहले और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और वैसे तो काफी वीडियोस हम लाते रहते हैं, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखते हैं तो बेल आइकन बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए ये वीडियो कम्प्लीटली जरूर देखें। तो चलिए आज की ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन साइड पर नजर आ गई होगी। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन के अंदर जहां कहीं भी आपके स्मार्टफोन में गैलरी का ऑप्शन आ जाए, आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गैलरी पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारी वीडियोस, फोटोज जो कुछ भी है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हमें यहाँ पर थ्री डॉट्स जहां कहीं भी नजर आते हैं, इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट्स पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में अगर आपका फोटोज वीडियोस गैलरी के माध्यम से डिलीट हुआ है तो उसके लिए आपको जाना है रिसाइकल बिन का ऑप्शन, यहाँ पर नजर आ जाता है। इस रिसाइकल बिन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है जो कि यहाँ पर हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर आपके फोटोज वीडियोस केवल और केवल यहाँ से डिलीट नहीं हुए गैलरी से, वो किसी अदर एप्लीकेशन से हुए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो आपके डायरेक्ट फाइल मैनेजर से डिलीट हुए हैं तो नीचे कमेंट करके कमेंट बताइए, जहां कहीं से क्यों हैं आप बताइए जरूर। इसके बाद में मैं आपको ले चलने वाला हूँ यहाँ रिसाइकल बिन के अंदर। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे भैया मेरे मोबाइल में तो यार रिसाइकल बिन नहीं आ रहा है। जी हाँ, नहीं आ रहा होगा बेशक, क्योंकि हर एक मोबाइल एक ब्रांडेड एक ही कंपनी का थोड़ी होता है। आपका Xiaomi, Redmi, Oppo, Poco इनका है तो इनके अंदर आपके सामने आएगा टेस्ट भी। लेकिन अगर आपका Xiaomi, Redmi के अलावा OnePlus है, इनके अंदर अलग आ जाएगा। तो किसी में रिसाइकल बिन रहेगा, किसी में रिकवरी बिन रहेगा, किसी के अंदर टेस्ट बिन रहेगा, किसी के अंदर डस्ट बिन रहेगा। जो कुछ भी अगर आपके में आए आप उस पर चले जाएं। अभी हमारे स्मार्टफोन में तो नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ नीचे की ओर एक ऑप्शन नजर आ जाता है सेटिंग का, सेटिंग पर आपको जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल अप करना है। अप करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नजर आ जाता है रिसाइकल बिन का। रिसाइकल बिन को आप यहाँ से एक्टिवेट कर लें। अब कुछ कहेंगे कि कितने दिन तक की वीडियोस हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है अप टू 30 डेज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के अंदर डिलीट हुई कितनी भी वीडियोस फोटोज हो आपके, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप इसे एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आप बैक निकल जाएं। निकलने के बाद फिर आपको इन थ्री डॉट्स पर यहाँ पर जो दिख रहे हैं इस पर आपको जाना है। जाने के बाद रिसाइकल बिन का जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इस रिसाइकल बिन पर आपको चले जाना है। अब भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी काफी वीडियोस यहाँ पर पड़ी हुई है, फोटोज वीडियोस काफी ज्यादा हैं। अब मुझे सिंपली अगर इन सभी को करना है तो हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट के लिए यहाँ ऑल सेलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट पर हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे और रिस्टोर कर लेंगे। कुछ कहेंगे भैया मुझे सभी नहीं लेने हैं वापस, मुझे केवल और केवल एक फोटो वापस लेना है, तो प्लीज आप यहाँ पर इसको ऑल सेलेक्ट ना करें। अब मुझे केवल और केवल यही फोटो लेना है जो कि इससे पिछली वाली वीडियोस थी हमारी, इस फोटो पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। रिसाइकल रिस्टोर पर हमने क्लिक कर दिया है और हमारा यहाँ से फोटो रिस्टोर हो गया। लेकिन कुछ कहने भैया मुझे तो सारे के सारे चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे तो सारे कंप्लीटली परमानेंटली डिलीट चाहिए, क्योंकि मैं अपने फोन को सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो आप अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट करिए, काफी बार तो फैक्ट्री रिसेट का डेटा भी आ जाता है, मैंने भी आपको बताया है, वैसे आने वाले समय में मैं आपको बता भी दूंगा। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँ, तो मुझे अगर सभी को डिलीट करना है, होल सेलेक्ट करा,
भैया मुझे नहीं लेना, जो लेना था वो ले लिया, बाकी कोई काम के नहीं है, इनको डिलीट कर दीजिए। नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिर आप इसे किसी भी टाइप से ऐसा तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऑप्शन, कुछ अदर एप्लीकेशन आती हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने डिलीट हुए कंटेंट को, डिलीट हुए डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, वापिस ला सकते हैं। काफी शानदार इन्फॉर्मेटिव तरीका है, काफी कम समय में आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, वैसे तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर आप ज्ञानी हो, दिमागदार हो, नॉलेजेबल हो तो कर ही रखा होगा। अगर नहीं और नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब बनता है। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।